दोस्तों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैंडल्स हैं जो अक्सर खबर देते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कौन सा टास्क हो रहा है। जैसे कि आज एनिमल टास्क होने वाला था, ओके लेकिन खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ अपडेट्स मिलती है। लेकिन अब पिछले एक दो दिन से निकित अंबोली से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट जो है वो सामने नहीं आ पाई है। हालांकि वो खुद अपने सोशल मीडिया पर फोटोज और स्टोरीज सबके साथ अक्सर शेयर करती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई टास्क से जुड़ी अपडेट की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ सामने नहीं आ पाया है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने विशाल आदित्य सिंह के साथ एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म किया था और उसमें वो बच गई। अनुष्का सेन भी थी उसमें, वो भी सेफ हो गई और विशाल जो है उन्हें शो से बाहर होना पड़ा। लेकिन अब तो खैर इस न्यूज पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन आपको बताते हैं कि निकित अंबोली के बारे में इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के अलावा या टास्क के अलावा और कोई टास्क से जुड़ी अपडेट क्यों सामने नहीं आ पा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और लेकर आई हूं आपके लिए खतरों के खिलाड़ी में निकित अंबोली से जुड़ी एक बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को हिट करें और अगर चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं निकित अंबोली के बारे में तो एक हैंडल है जो कि बहुत सारी अपडेट्स देते हैं सोशल मीडिया पर, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। तो उनके बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर निक्की से जुड़ी पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि निक्की से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आ पा रही है। इसकी दो मेन वजह है, एक तो ये कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने लगातार कुछ मेजर स्टंट्स परफॉर्म किए थे जिसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती हुई भी पाई जा सकती है, जिस वजह से वो फिलहाल अपने होटल में रेस्ट कर रही हैं। मेडिकल्स ने उन्हें रेस्ट करने का सजेशन दिया है। या फिर दूसरी खबर ये हो सकती है कि जो एलिमिनेशन टास्क परफॉर्म हुआ था उसी में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट आया है जिसके वजह से निकित अंबोली जो है वो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये दो मेन वजह सामने आई है। क्या आपको भी लगता है कि ये दो वजह सही है तो कमेंट करके शेयर जरूर करें।